नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडिटर गुरुजी में। देखिए दोस्तों, डीएसएसबी 2015 में जो आपने जेई के लिए अप्लाई किया था, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, तो उसका अभी मार्क्स क्या है अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना मार्क्स चेक नहीं किया है तो डीएसएसबी ऑनलाइन पर जाकर अपना मार्क्स देख ले, और आपको कुछ इस तरह का भी मैसेज आया होगा, ठीक है, वो ARS करके, तो यही है आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम करके है, ठीक है। तो ये आपका DSSSB का ही मतलब बोल रहा है कि योर मार्क्स हैज बीन अपलोडेड ऑन ARS, ठीक है, तो आप लोग साइट पे जाके देख लीजिएगा। और अभी तक तो कट ऑफ नहीं दिया हुआ है दोस्तों, कट ऑफ जैसे ही आता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए ये DSSSB ऑनलाइन का ये होम पेज है, ठीक है, आप लोग DSSSB ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और आपको यहाँ पर देखिए क्या रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और किस ईयर में पास हुए, वो आपका पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड आपको भूल रहा होगा, याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फिर आपको इंटरफेस खुलेगा, देख लीजिए। और ये जैसे ही खुलता है आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि सब कुछ दिया हुआ है आपका, आपने जो जो अप्लाई किया हुआ है उसके लिए भी दिया हुआ है। ये देखिए आपका व्यू रिजल्ट क्या हुआ है, ये व्यू रिजल्ट पे आपको क्लिक कर दिएगा तो आपको ये वाला जो पूरा पेज है वो ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका देखिए एग्जाम आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स आपके लिए सब सब कुछ दिया हुआ है। रिमार्क में इसलिए दिया हुआ है कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक उसने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो या अपडेट्स लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो अभी जैसे ही इसका कट ऑफ आता है या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आगे आने वाली मेरे प्रत्येक वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आप तक हर एक अपनी मैसेज को पहुँचा सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।